आखिर क्यों कहा शरद पवार में द कश्मीर फाइल मूवी को रिलीज करने की परमिशन ही नहीं देना चाहिए था। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं गली न्यूज की शॉर्ट वीडियो में। द कश्मीर फाइल मूवी पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि ऐसी फिल्म को रिलीज करने की परमिशन ही नहीं देना चाहिए था और यह मूवी को टैक्स फ्री किया गया है। दिल्ली में हुए एनसीपी माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के प्रोग्राम में लोगों को संबोधित करते हुए शरद पवार ने देश के एकता और बीजेपी के द कश्मीर फाइल मूवी के प्रमोशन पर सवाल उठाया है। देश में एकता की बात करते हैं और लोगों को भड़काने वाली ऐसी मूवी को प्रमोट भी करते हैं। शरद पवार ने बताया कि महाराष्ट्र असेंबली बजट सेशन शुरू था और सब बीजेपी के एमएलए लोग एक साथ मूवी देखने गए थे। ऐसे ही चलता रहा तो देश में एकता कैसे रहेगी? आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए गली न्यूज के साथ जुड़े रहें।